नहीं जो सोता है वो खोता है। अगर दुनिया में कुछ पाना है तो उठो, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, वरना जमाना कयामत की चाल चल जाएगा, समझे? बोल के बच्चे मेरे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया है। तुम दिन को भी ख्वाब देखते हो, तभी तो तुम्हारा मैदा खराब रहता है। अगर तू थोड़ी देर और न जगाता तो मेरी शादी हो गई होती। शादी? अरे हम कुंवारों की शादी कहां होगी। हां अलबत्ता शहजादी मारुख की शादी जरूर हो रही है। क्या कहा? यही तो मैंने कहा। जा रहे हो यार, कमाल हो गई, तुम तो हराते घोड़े में तर गए हो, मेरी बात तो सुनो। बात दरअसल यह है कि यमन में मुल्क मुल्क के शहजादे आ रहे हैं। शहजादी जिसे पसंद करेगी उसके साथ उसकी शादी होगी। वैसे उन शहजादों का यहां आना तो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि शहजादी ने मुझे ही पसंद करना है। लेकिन मेरा ख्वाब? तुम ख्वाब ही देखते रहोगे इंशाल्लाह। शहजादी की शादी नहीं हो सकती। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम झोंपड़ों में सोते हो और महलों के ख्वाब देखते हो। अगर किसी ने वजीर को खबर कर दी तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे इंशाल्लाह। मां मैं सिपाही का बेटा, कैदोबंद से नहीं डरता। हाँ हाँ हाँ, और उसमें डरने की क्या बात है, जेल में तो मुफ्त की रोटियां मिल जाती हैं। अल्लाह खैर सला। बेटा अब तो तुम्हारे बाप की छोड़ी हुई पूंजी भी खत्म हो गई है। तुम कोई काम काज क्यों नहीं करते? अगर तुम यूं ही बेकार घूमते रहे तो कोई मछेरा भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। मछेरा? हम मछेरों के बेटियां लेकर क्या करेंगे चाची? माँ शादी तो मैं बादशाह की बेटी से ही करूंगा इंशाल्लाह। क्या भगते हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बादशाहों के माथे की एक शिकन गरीबों की तबाही का पैगाम बन जाती है। मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो, कहीं तुम्हारी ये हमाकतें हम पर कहर की बिजलियां बनकर न टूटे। माँ बस तुम दुआ करती रहना, कहर की बिजलियां भी फूल बन जाएंगी। हाँ, और अगर इत्तेफाक से गोभी का फूल बन जाए तो फिर एक वक्त की हंडिया भी पक सकती है। खामोश रहो, अगर तुमने फिर बादशाह की बेटी का नाम लिया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। देखिए देखिए चाची, आप नहीं जानती शहजादी के इस घर में आने से बड़ी बरकतें साथ आएंगी। देखो ना, हम आगे आगे होंगे, सिपाही हमारे पीछे पीछे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए क्या है, इसको मारो। ठीक है, मैं सब समझाता हूँ। चाची क्या कर रही Thank you.
हिम्मत वाले हिम्मत वाले अलबेले राही। दौलत अपने पास नहीं पर ठाठ शहनशाही। हिम्मत वाले हिम्मत वाले अलबेले राही। दौलत अपने पास नहीं पर ठाठ शहनशाही। हिम्मत वाले हिम्मत वाले। हुस्न में यकता इश्क में तन्हा। हुस्न में यकता इश्क में तन्हा। वक्त है अपना ऊंचा अपनी हुकूमत परियों के दिल पर। तख्त है अपना ऊंचा अरे तख्त है अपना ऊंचा। हिम्मत वाले हिम्मत वाले अलबेले राही। दौलत अपने पास नहीं पर ठाठ शहनशाही। हिम्मत वाले हिम्मत वाले। तलवारों में ऐसी चमक है सूरज भी शर्माए। मर जाए जल जल कर दुश्मन कोई पास न आए अरे कोई पास न आए। हिम्मत वाले हिम्मत वाले अलबेले राही। दौलत अपने पास नहीं पर ठाठ शहनशाही। हिम्मत वाले हिम्मत वाले। होंगे अपने दिन भी सुनहरे रात भी प्यारी होगी। हंसने वाले हंसते रहेंगे जीत हमारी होगी अरे जीत हमारी होगी। हिम्मत वाले हिम्मत वाले अलबेले राही। दौलत अपने पास नहीं पर ठाठ शहनशाही। हिम्मत वाले हिम्मत वाले हिम्मत वाले हिम्मत वाले। ओ हे 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 ओ हे 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 हे। क्या बात है ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कहीं हमारा गाना सुनकर पागल तो नहीं हो गए? शायद शाही सवारी आ रही है। हैं? शाही सवारी? हाँ। तो क्या शहजादी हमसे खुद मिलने के लिए यहाँ आ रही है? अबे नहीं, तूने ही तो बताया था कि मुल्क मुल्क के शहजादे शहजादी से शादी करने आ रहे हैं। मैंने बताया? हाँ 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 आया। मगर यार सुहेल, फर्ज करो अगर शहजादी किसी और शहजादे से शादी कर ले तो तुम क्या करोगे? ये बाद में सोचेंगे, तू एक तरफ हो जा। बाद में नहीं सोचेंगे, डूब मरने का ना काम है, इसका फैसला अभी होगा। अबे क्या पागल हुआ है? इंशाल्लाह। अबे ओ बोलो सारे उच्चक को शहजादो, माफ करना ऐ हसीन माहे जबीन शहजादे, जरा ये तो बताना कि तुम कहाँ से आ रहे हो? हम बगदाद से आए हैं। बगदाद से यमन में की बजाय अगर तुम दरियाए दजला में डूब मरते तो कितनी अच्छी बात थी। क्या कहा? ऐ कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे कान में नक्श है। ऐ परी पैकर शेख चिली शहजादे, तुम्हारी दाढ़ी से मालूम होता है कि तुम कोकाब से आए हो, मगर ये तो बताओ कि तुम्हारी आंखें टेढ़ी क्यों हैं? बदतमीज गुस्ताख कौन हो तुम? हिम्मत वाले अलबेले राही। तुमने मेहमान शहजादों की तौहीन की है। तो क्या तुम्हारी भी कर दूं? सिपाहियों गिरफ्तार करो इसे। अरे जा गिरफ्तार कर लो इसे, आए हैं बड़े छांगे शहजादे। गिरफ्तार कर लो, ये उचक्के मुझे पकड़ना चाहते हैं। ना 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 ना, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ना ना मेरे बच्चों, ना बेटा, ना ना ऐसे करो, ना ना Thank you.
साथियों, तुम्हें मालूम होगा कि काफी अरसा पहले हमारा एक वफादार गुलाम लंधूर नामी जिन एक जादूगर के तिलसम में फंसकर यमन के शाही महल की दीवार में कैद है, जिसे सिर्फ फिरदौस परी आजाद करा सकती है। फिरदौस हाजिर हो। इंसानों की दुनिया में जाओ, बगदाद और यमन की सरहद पर एक खंडर है जिसमें एक अंगूठी दफन है। तुम्हारे पहुंचते ही वो तुम्हें मिल जाएगी, जिससे जिन आजाद हो सकता है। मुझे हुजूर के हुक्म की तामील में कोई उज़र नहीं, लेकिन इससे पहले मैं इंसानों की दुनिया में कभी नहीं गई। तुम्हारी रहनुमाई के लिए फूल परी तुम्हारे साथ जाएगी। एक बात का ख्याल रहे,
किसी भी आदमजात पर भरोसा न करना और ना ही किसी से दिल लगाने की जरूरत करना। जाओ, देर न करो। जो बुक मारी जा। ये वही जगह है जिसके मुतालिक शाह जिन्नात ने कहा था। वो तिलिस्मी अंगूठी कहाँ मिलेगी? शायद उस सुकून के करीब कहीं होगी। चलो तो जिन्नात के बताए हुए अल्फाज अंगूठी खुद ब खुद निकल आएगी। देर ना करो फिरदौस, वरना शाह जिन्नात के कहर से बच ना सकोगी। क्या सोच रहे हो? अपना फर्ज अदा करो। मुझे इजाजत दो कि मैं आदमजादों में से हसीन तरीन हस्ती को चंद लम्हों के लिए आजादी के आलम में देखाऊं, जिसे मैं पिछले 16 बरस से कैद की हालत में देखता रहा हूं। आदमजादों में से हसीन तरीन तो यही है। क्या बात करती हो, ये तो सुफीना के एक नाखून का भी मुकाबला नहीं कर सकता। तू नहीं जानता ऐसा हुस्न तो हमारे कोकाट में भी नहीं। तू अगर उस हसीना यमन को देख ले तो कहने पे मजबूर हो जाएगी कि वो खाले के हकीकी की ऐसी तखलीक है जिसकी मिसाल मुश्किल है। तो चलो मैं भी देखूंगी कि वो वाकई इतनी हसीन है या तुम्हारी नजर का धोखा। फूल, इन आदमजादों का ख्याल रखना। हम अभी आते हैं। खुदा हाफिज। फिरदौस देखो, इस दुनिया का वो हसीन फितना जिसने मेरे दिल में मोहब्बत की आग भड़का दी। इन आंखों में कायनात की जवानी सो रही है। हजरत सुलेमान की कसम, मैंने जवानी का ऐसा हसीन रूप कहीं नहीं देखा। तुम जादों की दुनिया में रहे हो, शायरी क्यों नहीं करोगे? शायरी नहीं हकीकत है, ये उस कयामत से कम नहीं। मुझे तो इससे ज्यादा दिलकश वो नौजवान मालूम होता है जिसे हम खंडर में छोड़ आए हैं। जिस तरह चांद के सामने सितारे मांद पड़ जाते हैं, उसी तरह शहजादी के सामने उस नौजवान का हुस्न फीका पड़ जाएगा। मैं उसे अभी हाजिर करता हूँ। हेरा फेरी औरतों वाली आवाज बनाकर मुझे खामखा परेशान कर रहे हो। सो जाओ, अबे कहो दफा हो। बकवास मत करो और बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ है? दोस्त, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, जिन हो, भूत हो, परी हो, चुड़ैल हो, और अगर कुछ हो तो क्या कारोबार करती हो? बाको हाल, और बताओ तुम्हारा साथी कहाँ है? साथी? मेरा साथी
यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते, दोबारा भागोगे तो उल्टा लटका दूंगी। उल्टा? ए जी, मैं कुछ चमगादड़ तो नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जल्दी बताओ तुम्हारा साथी कहाँ है? साथी? मेरा साथी जब से साथी बिताया, माफ करना अगला मिसरा मैं भूल गया हूँ अम्मी जान। बकवास बंद करो, तुम्हारी यही सजा है, जब तक तुम्हारा साथी नहीं आता मुर्गे बने रहो। मुर्गे? देखिए मुर्गे के अलावा कुछ और चीज बना दीजिए, मुर्गा तो मैं मदरसे में बनता रहा हूँ। कहती हूँ बकवास बंद करो। अच्छा मैं बनता हूँ, बनता हूँ। ये क्या मुसीबत है? देखो मुझे मत मारिए, तुम भूत हो या परी हो, जो कुछ भी हो खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि वो उसका बच्चा कहाँ गया। देखिए मुझे मत मारिए, मेरी कमर की हड्डी तोड़ जाएगी, मैं कवारा मर जाऊंगा। अभी तो मैंने शादी भी नहीं की, बल्कि देखिए हो सके तो मेरे लिए एक रिश्ते का बंदोबस्त करें। बहलों के हाथ से बच कर नहीं जा सकती। नौजवान अपनी जुबान से शहजादी की खूबसूरती का इकरार कर ले फिर तो मान जाओगी ना, इसीलिए इसे खुद ही बेदार करो, और अगर वो शहजादी को देख के पागल हो जाए तो हार मान लो। तो खंडर में सोया था, महल भी कैसे? सुभान अल्लाह, सितारों से ज्यादा हसीन, पहाड़ों से बढ़कर जवान, बादशाह की बेटी मालूम होती है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, ये ख्वाब नहीं, मैं देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। या अल्लाह ये ख्वाब ना हो, अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर इस ख्वाब से बेदार ना हो सकूं। तुम्हें यकीन आ गया ना, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि नौजवान शहजादी के लिए किस कदर बेकरार हुआ जा रहा था। अब जरा शहजादी को बेदार करके देखो, भला वो नौजवान के बारे में क्या कहती है। बड़े बड़े हसीन शहजादे इस फितने हुस्न के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में शहजादी भला इस भूखे नंगे को क्या खातर में लाएगी। बहरहाल ये तमाशा भी तुम अपनी ही आंखों से देख लो।
कौन? कितना वजी और खुश शक्ल नौजवान, मगर यहाँ? ओह, शायद अब्बा हुजूर हमारी शादी इससे करना चाहते हैं। हम भी कितने पागल हैं, अब्बा हुजूर के इंतखाब को ठुकरा दिया। क्या खबर थी कि वो हमारे लिए आसमान के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चांद तोड़ लाएंगे। हम इकरार करते हैं। देख लिया तुमने, शहजादी ने भी मेरे ही इंतखाब को पसंद किया है। समझ में नहीं आता, अच्छे भले शहजादों को छोड़कर शहजादी ने इस भूखे लड़के को कैसे पसंद किया। आदमजादों में रहकर तुम भी काफी ढीठ हो गए हो। लेकिन मैं आपस में नहीं मिलने दूंगा, मैं अभी इस खबीस नौजवान को खंडर में बुझा देता हूँ। अरे यार मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए सोने दो। बस अबे बगलोल उठो, दिन चढ़ाया, उठ। दिन तो रोज ही चढ़ता, इसमें कौन सी बड़ी बात? तुम ये बताओ कि तुम रात को कहां गायब हो गए थे? अबे यार रात तो मैं शहजादी की खाबगाह में पहुंच गया था। हैं? हाँ खाबगाह में। अरे तूने को ख्वाब देखा होगा, तू वहां कैसे पहुंच गया? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता मैं वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। और फिर शहजादी के हुस्न का नजारा तो मैंने अपनी आंखों से किया है। ये देख, ये शाही अंगूठी शहजादी ने निशानी दी है। शाही अंगूठी? अरे शहजादी ने ना अंगूठी दी है तो कौन सी बड़ी बात हो गई है, हमसे पूछो। मेरे पास तो वो खुचल कर आई थी। कौन आई थी? ये क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? बताओ। एक परी पैकर हसीना सारी रात मेरे पांव दबाती रही है। अरे उसने मेरी इतनी खिदमत की है कि मेरी पसलियां दुखने लगी है। जरा देखो तो अभी तक दर्द मौजूद है। जाओ जाओ। अच्छा चलो उठो, चले। यहां से निकलकर कहां जाओगे पगले? शाही महल की सैर करेंगे। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शाही महल का रुख करता है। हम गीदड़ नहीं है, शेर है। इसीलिए तो कहता हूं कि जंगल ही में पड़े रहो, अगर शहर चले गए तो सिपाही कीमा कर देंगे। आशिक मौत से नहीं डरते। चलो ठहरो यार, जूता और तलवार तो उठा लेने दो, कुछ खुदा का खौफ करो यार। इस वक्त मैं भूखा हूँ, इश्क और मुझे सब भूल चुका हूँ, कुछ खाने पीने की बात। शाही महल में खानों की कमी नहीं है। अच्छा तो फिर देर किस बात की, जल्दी चलो कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। ये दीवाने तो सचमुच मौत की तरफ चलती है, मैं इन्हें रोकने का बंदोबस्त करती हूँ। फैसला तो हम कर भी चुके। यानी आप शादी नहीं करेंगी? नहीं, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। सच? वो कौन खुश नसीब है जिसे हम अपनी अंगूठी के साथ ही दिल भी नजर कर चुके हैं। मगर अंगूठी आपने किसे पहना दी? उसी को जो रात ख्वाब की तरह हमारे कमरे में आया और हमारे दिल का सुकून लूट के चला गया। ये आप क्या फरमाती हैं? आपके ख्वाबगाह में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू नहीं जानती गुलरुख, अब्बा हुजूर उस नौजवान को हमारा रफीके हयात बनाना चाहते हैं। हमने उसे सोए हुए देखा और अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया। मुझे हैरत है, आखिर अली जा को ये क्या सूझी? कम अज कम मैंने तो यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। तू इन बातों को छोड़, जाकर अब्बा हुजूर से कहते हमें उनका इंतखाब पसंद है। आप फरमाती हैं तो मुझे इनकार नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। हमारा दिल तो मानता है ना, बस तू अब्बा हुजूर को ये पैगाम पहुंचा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। गुस्ताख, तुम्हें ये कहने की जरूरत कैसे हुई? मेरे मुंह में खाक आली जा, कनीज माफी की तलबगार है। जलाल, इस बेअदब की जबान काट दी जाए। आली जा, गुस्ताखी माफ, कनीज तो अपनी शहजादी की जबान होती है। क्या मतलब? आप शहजादी साहिबा के जुर्म की सजा एक कनीज को दे रहे हैं, ये बेचारी तो सिर्फ पैगाम लेकर आई। तो फिर मालूम करो
शहजादी की ख्वाबगाह में कौन दाखिल हुआ था? आलीजा, हो सकता है ये जुरत मेहमान शहजादों में से किसी की हो। कोई भी हो, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जुर्म नाकाबिले माफी है। या अल्लाह, ये हम किस मुसीबत में फंस चुके हैं। अबे दम क्यों निकला जा रहा है, हौसला रख। हौसला खाक रखूं, सुबह से घोड़े दौड़ा रहे हैं मगर बुद्धू खैर से फिर वहीं के वहीं। मैंने कहा मेरा ख्याल है हम किसी बदतमीज भूत के चक्कर में फंस चुके हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ, चपत लगा रहे हो? बस क्या कर रहे हो? कौन है? कुत्ता को भूत मालूम होता है, तलवार छीन रहा है। भूत जी मुझे माफ कर दो, हम गलती से यहाँ पर आ गए हैं। इंसान खता का पुतला है, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। हमारे बाप की तौबा, दादा की तौबा, फुफड़ की तौबा, हम फिर यहाँ कभी। क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला नहीं रहा हूँ, जो खाना ठंडा हो रहा था ना वही खा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। कहाँ? कहाँ तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। मोहतरमा, अब तो भूख की वजह से तशरीफ भी कमजोर हो गई है, खुदा के लिए सबसे पहले खाने का बंदोबस्त कीजिए। बगलोल, क्या भिखारियों की तरह से भीख मांगते रहते हो? मुलायजा फरमाइए, ये आपका रोब डालने के लिए मुझ पे खफा हो रहे हैं, हालांकि मैं इन्हीं के पेट की वकालत कर रहा हूँ। मोहतरमा, इनकी बातों में ना आइए और हमें जल्दी से खाना दिखाइए। मेजबान से तारीफ हो जाए तो अच्छा है। आप तशरीफ लाए, मेरे लिए इससे ज्यादा फखर की बात और क्या हो सकती है कि मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला। मौका तो हमने दे ही दिया है मगर खिदमत हमारी खाक होगी, जो अभी तक खाना ही नहीं आया। माफ कीजिएगा, ये जरा मतलब भूखे हैं।
सुख में गुजार दूं। ख्वाहिशात कितने बस पे नहीं होती मुतरमा। मेरे दिल में कभी कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा ही नहीं हुई जो पूरी ना हो सके। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपको रोक तो नहीं सकती, इल्तिजा करती हूँ, कुछ देर तो ठहर जाइए। बात दरअसल यह है कि मुझे जाना है वो अपनी मंजिल पर। देखिए ना वो आप सुन रही हैं? हिलाऊंगा तुम भी ऊपर आ जाना। अच्छा अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। मैंने महल में तमाम पहरेदार अपने मुकर्रर कर दिए हैं, आज रात बादशाह का काम तमाम हो जाना चाहिए, लेकिन आज से ज्यादा मौजूद दिन और कोई नहीं। आज मुल्क मुल्क के शहजादे आए हुए हैं, इल्जाम उनमें से किसी पर लग जाएगा। आओ करे नास। शाही महल में सोई हुई ये कयामत बादशाह की बेटी के सिवा कोई नहीं हो सकती। शायद ये हसीन जुल्फी मेरी तकदीर बन गई है।
तुम? जी, हुस्न की सरकार का मुझे जब ख्वाब कराते हो दिल का दर्द बनकर चले जाते हो। बादशाह की बेटी में खाबत हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आया था। आज फिर किस्मत मेरा हाथ पकड़कर यहाँ ले आई है। नहीं, तुमने हमारी मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। मैं जानती थी तुम एक न एक दिन जरूर आओगे। कौन हो तुम? बस यूँ समझ लो किसी की जान खतरे में है। इस महल में किसी की जान को खतरा भी हो सकता है? खतरे हमेशा इंसानों के आस पास रहते हैं, जितना बड़ा आदमी उतने ज्यादा खतरे। किसी को खतरे से बचाते बचाते कहीं खुद खतरे की लपेट में ना जाना चाहिए। मैं तो खतरों का आदि हो चुका हूँ। इजाजत। नजर की प्यास बुझा लो, नजर की प्यास बुझा लो, तो फिर चले जाना। मैं अपने दिल को मना लूं, मैं अपने दिल को मना लूं, तो फिर चले जाना। नजर की प्यास बुझा लो। Yeah.
बादशाह की जिंदगी से नहीं खेल सकते। कौन हूं? आदमी नाम से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। ओ, तो तुम्हारा काम तमाम हो जाना चाहिए। गिरफ्तार करो इस बागी को। ये बागी हुजूर को कत्ल करने आया था लेकिन शुक्र है मैं इन वक्त पर पहुंच गया। तुम्हें शाही महल में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? आला हजरत की जिंदगी खतरे में थी, मैं हुजूर की हिफाजत के लिए हाजिर हुआ था। ये सब झूठ है, हम वफादारों के होते हुए आला हजरत की जात को कोई खतरा नहीं। तुम्हें शाही महल में आने की इजाजत किसने दी? जब वफादार नमक हरामी पर तुल जाए तो फर्ज को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। तो फिर यकीनन तुम वही मुजरिम हो जो पहले भी चोरों की तरह शाही महल में आते रहे हो। हमें तुम्हारी ही तलाश थी, तुमने चोरी छुपे शाही इज्जत से खेलने की कोशिश की है। क्या यह दुरुस्त है? आलम पनाह, इसकी खामोशी जुर्म का इकबाल कर रही है। इसने शहजादी को हासिल करने के लिए अली जाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसका खंजर इस बात का सबूत है। ये बिल्कुल गलत है अब्बा हुजूर, ये आपकी जान बचाने आया था। खूब, शहजादी साहिबा भी मुजरिम को जानती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास इसकी बेगुनाही का क्या सबूत है? अब्बा हुजूर, ये यहाँ आने से पहले मेरे पास आया था और इसने मुझे यही बताया था कि मैं किसी की जिंदगी बचाने आया हूँ। क्या ये सबूत काफी नहीं? शहजादी साहिबा, मुझे से सरजद हुआ हुजूरे वाला। तो इस जुर्म की पादा में हम तुम्हारे लिए सजाए मौत का हुक्म सादर करते हैं। हमारी इज्जत से खेलने वाले कभी जिंदा नहीं रह सकते। अब्बा हुजूर, हुजूर ने वजीर की बातों में आकर अपने मोहसिन को जिंदा में डाल दिया है और ये सरासर जुल्म है। आप एक मामूली नौजवान के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? इसलिए कि वो बेगुनाह है, मैं उस पर ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं इसे जरूर रिहा कराऊंगी, आओ मेरे साथ। तुम्हें याद कर लाई?
ये लो सुल्तान की चाबी और यहाँ से फौरन चले जाओ। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा हादसा बोल दिया। मेरी फिक्र ना करो, मैं करूंगी। मुझे वो आजादी नहीं चाहिए जिसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़े। आजादी के लिए खतरों से खेलना ही पड़ता है। मैं चाहती हूँ वजीर को खबर होने से पहले तुम यमन से दूर चले जाओ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अब देर ना करो, वजीर के बाहर घोड़े तैयार करें। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैं तुम्हें हमेशा क्या खुदा हाफिज, खुदा हाफिज लगा रखी है, मेरी कमर तोड़ दी। नजरबंद करते हैं उस पर नजर भी रखते हैं। रास्ता छोड़ दो, मुजरिमों का रास्ता रोका जाता है। मत भूलो, पिंजरे से निकलने के बाद शेर ज्यादा फुकार बन जाता है। ये गीदड़ भपकिया किसी और को देना, हम तुम्हें जंजीरों में जकड़ देंगे। मुझे जकड़ने वाली जंजीरें अभी तैयार नहीं हुई। ये मुझे अपने ससुराल ले गया था। ससुराल?
हाँ चाची, वो यानी के शाही महल में। इसने तो मरवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो इत्तेफाक से मैं इसके साथ जो अपनी जान पर खेलकर इसे जंदान से निकाल लाया, वरना बादशाह ने तो कत्ल का हुक्म दे ही दिया था। हाय, मैं मर गई, कत्ल का हुक्म। हाँ चाची, अब इसे समझा लो, मना लो, कहीं छुपा लो। दरअसल हम जेल से भाग कर आए हैं, सिपाही मच्छरों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर हम पकड़े गए तो जिंदा न छोड़ेंगे। सहेल, तुम्हें क्या हो गया है? तू शाही महल में क्या लेने गया था बेटा? माँ, मैं जान बचाने गया था। बादशाह की जान बचाने गए थे या बादशाह की बेटी से इश्क पेचा लड़ाने गए थे? हाँ, अब के बार तो हम बच गए थे। अगर आपके पकड़े गए तो बस हमारा वलीमा मक्तल में होगा। बेटा, मैंने दुख सह सह कर तुम्हें पाला और जवान किया है। ये पागलपन छोड़ दो बेटा, मेरे बुढ़ापे पर रहम खा। अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। घबराओ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने सफेद बालों का वास्ता देती हूँ बेटा। मेरे दामन पर अपने खून के छींटे ना उड़ाओ। क्या तुम ये चाहते हो सिपाही तुम्हारी माँ को बाजारों में घसीटते फिरे? तो फिर टकराने की मैं सिर्फ एक बार शहजादी से मिलना चाहता हूँ, उसने मेरी जान बचाई। नहीं बेटा, मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। जा, अंदर जाकर सो जा। देखो चाची, अब तुम फिक्र मत करो, अब ये कहीं नहीं जा सकता। मैं इसके चाल चलन की देखभाल के लिए नंगी तलवार का पहरा दूंगा। चलो सुहेल अंदर। माँ से एक बार। नहीं, जा अंदर जाकर सो जा। अनु, नहीं जुल्म है अब्बा हुजूर। तो तुमने जानबूझकर हमारे हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। बिजलियों का नाम नहीं जो गरीबों के आशियाने फूंक देती है। कानून वो तलवार नहीं जो बेगुनाहों के सर काटती फिरे। कानून इंसाफ की चिड़ी है जिसके हर जीने पर बादशाहों को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। माँ रुख, तुम्हारे अल्फाज से सरकशी की बू आती है। ये मत भूलो कि तुम यमन के तख्त ताज की वारिस हो। अगर मेहमान शहजादों को तुम्हारे ख्याल का इल्म हो गया तो हमारी आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। जलाल आलीजा, कल शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया जाए। आला हजरत, जब तक शहजादी साहिबा अपनी पसंद का इजहार न फरमाए शादी का ऐलान कैसे हो सकता है? मारुख, इन बागियाना ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो और कल हमें अपने इंतखाब से आगाह कर दो। मैं आलीजा को अपने इंतखाब से आगाह कर चुकी हूँ। लेकिन हम नहीं जानते तुमने किस मुल्क के शहजादे को मुंतखब किया है। वो किसी मुल्क का शहजादा नहीं। फिर वो कौन है? वही बेगुनाह जिसे आपके कानून ने जंदान में डाल दिया था। मारो, तुमने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। अब्बा हुजूर, तुमने तख्त और ताज के लिए एक आवारा नौजवान का इंतखाब करके हमारी आबरू से खेलने की कोशिश की। लेकिन याद रखो, यमन की सल्तनत किसी लुटेरे की पूंजी नहीं जिसे हम एक मुजरिम की झोली में डालते। तुम्हें यह फैसला बदलना होगा। आपको अपना कानून और मुझे अपना फैसला अजीज है, मैं इसे नहीं बदल सकती। खामोश बेअदब, हमारी शफकत का ये मतलब हरगिज नहीं। तुम हमारी इज्जत को ठोकर मार कर चलो। जलाल, महल के गिर्द पहरा सख्त कर दो। जब तक शहजादी फैसला तब्दील नहीं कर लेती नजर बंद रहेगी। आला हजरत के हुक्म की तामील होगी। Thank you.
जगमगाई फिर फजा फूल हंस के खिल गए आश्क मोती बन गए जगमगाई फिर फजा मुस्कुराओ तो जरा ये खुशी की रात है क्या हसी है चांदनी क्या हसी हयात है ओ ये समा है जान फजा फूल हंस के खिल गए काश मोती बन गए जगमगाई फिर फजा झूमता है ये फलक नाचती है ये जमीन मैं जिधर नजर करूं बस दिखाई दो तुम्हें ओ रक्स करती है हवा फूल हंस के खिल गए काश मोती बन गए जगमगाई फिर फजा अभी अभी यहाँ कोई था हमारे सिवा कमरे में कोई नहीं आया हमारी शफकत को फरेब की कोशिश न करो जलाल तुमने हमें क्या इत्तला दी थी आलीजा मैंने शहजादी साहिबा के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी थी सुन लिया तुमने शायद वजीर साहब को धोखा हुआ है वरना पहरेदारों की मौजूदगी में यहाँ कौन आ सकता है यही पूछने के लिए हम यहाँ आए शायद तुम भूल गयी हमारी इज्जत के मुहाफिज रात के अंधेरे में भी जागते रहते फिर आप उससे क्या पूछते हैं मैं तो नजर बंद हूँ महल के चारों तरफ पहरेदार तलवारें लिए खड़े हैं वजीर साहब से पूछिए कि इतने सख्त पहरे में यहाँ कौन आ सकता है जनाब अगर वो महल में दाखिल हुआ तो पहरेदारों ने उसका रास्ता क्यों नहीं रोका जवाब दो आलीजा हो सकता है वो किसी खुफिया रास्ते से आया जलाल अगर कोई महल में आता तो उसे गिरफ्तार करना तुम्हारा फर्ज था तुमने अब्बा हुजूर के सामने हमारी बेइज्जती की है जलाल मैं माफी का खासदार हूँ आलीजा मेरा मतलब हरगिज़ ये न था और क्या मतलब था तुम्हारा वजीर बादशाहों की इज्जत के महाफिज होते हैं आइंदा के लिए मोहताद रहो तुम जा सकते हो हम अपनी बेटी से शर्मिंदा हैं अच्छा अब तुम आराम करो
ऐलान का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा न करो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। जरा मेरी आंखों में झांक कर तो देखो। बहुत खूबसूरत है। और ये बाल? सावन की घटा बल खा रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सुहेल जी। एक गरीब और परेशान हाल इंसान को अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में न डालिए। अपनी परेशानी और गम मुझे दे दो और मुझसे जमाने की खुशियां ले लो। मैं आसमान के सितारे तुम्हारे कदमों में डाल सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन लेकिन इंसान के पहलू में सिर्फ एक ही दिल होता है और वो दिल मैं बादशाह की बेटी की नजर कर चुका हूँ। तो है, मेरी किस्मत का फैसला इतनी जल्दी ना करो। फैसले इख्तियार है और सिर्फ हम शहजादी के उम्मीदवार होंगे। ये तीर तो आज ही छोड़ दिया जाएगा। किसी से कहना नहीं, बादशाह की बेटी एक आवारा लड़के से मोहब्बत करती है। अच्छा अच्छा जी हाँ, सुन लिया तुम लोगों ने, शहजादी किसी आवारा नौजवान से मोहब्बत करती है। मैं ऐसी लड़की से शादी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। शाह यमन ने हमारी तोहीन की है। आओ अपने अपने वतन वापस चले। आओ जलाल, क्या खबर लाए? क्या अर्ज करूं वाली जा, मैं कोई अच्छी खबर सुनाने नहीं आया। हम हर बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हैं। कहो क्या कहना चाहते? अर्ज करने से पहले जान की अमान चाहता हूं। अमान बख्श। मेरे मुंह में खाक आलम पड़ा। शहजादी मारूफ केश को मोहब्बत की दास्तान सारे यमन में मशहूर हो चुकी। हर छोटे बड़े की जबान पर यही किस्सा है। इसीलिए शहजादा मुकर्रम भी शादी पर रजामंद नहीं। क्या मुकर्रम ने हमारे मर्तबे का भी ख्याल नहीं किया? दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, किस्मत ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं इस हाल में भी आपकी गुलामी पर फख्र करूंगा। अगर हुजूर इस गुलाम को अपनी फर्जंदी में कबूल फरमाए तो मैं सल्तनत यमन की हिफाजत का वादा करता हूँ। हमें तुम्हारी वफादारियों से कोई इनकार नहीं, लेकिन खानदान के रस्म रिवाज की खिलाफ वर्जी भी तो नहीं कर सकते। अब तो एक ही सूरत बाकी है। वो कौन सी सूरत है आलिजा? शायद गुलाम उसे पूरा कर सके। हमारे खानदान के पुराने दस्तूर के मुताबिक बहादुरी का आम मुकाबला होगा। इस मुकाबले में हर शख्स को शिरकत की दावत दी जाएगी। जो शख्स ये मुकाबला जीत जाएगा वही शहजादी की किस्मत का मालिक बन जाएगा। लेकिन आलिजा, हम मजबूर हैं जलाल, जाओ ऐलान करा दो। जो हुक्म। आला हजरत की इजाजत से ऐलान किया जाता है, शहजादी मारूफ की शादी उस बहादुर के साथ करार पाएगी जो यमन के कदीम शाही दस्तूर के मुताबिक बहादुरी के मुकाबला में अव्वल आएगा। हर उम्मीदवार को मौका दिया जाता है वो सरे दरबार अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और यमन के गौहर अनमोल को जीत ले। आलीजा, मैं सल्तनत का पुराना नमक खार, तख्त ताज की हिफाजत और हुजूर की खिदमत के लिए अपने आप को मुकाबले के लिए पेश करता हूँ। अगर तुम मुकाबला जीत जाओ तो हमें कोई एतराज नहीं। मेरी तलवार ने बड़े बड़े सरकशों के सर कलम किए हैं। कौन बदबख्त अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है वो सामने आए और मेरी तलवार का जख्म खाए। आलीजा, अब किसी बहादुर को मुकाबले का हौसला नहीं रहा। आजी साहेब, फैसले का ऐलान कर दिया जाए। खैरियत,
जरा देर तो सब्र कीजिए काजी साहब, क़िबला और काबा अपने फैसले की तलवार म्यान में डालिए और हमारी तलवार के जौहर देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ काजी साहब, हमारे दोस्त हारून इब्न कारून इब्न सैमून की चलती हुई तलवार के मजमून देखिए, देखने के बाद गौर फरमाइए और गौर फरमाने के बाद फैसला कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आली जा, हुकूमत की तरफ से मुकाबले का इज़्ज़त आम है और मुकाबला करना हमारा काम है, यही हमारी शान है। मगर ये तलवार क्यों परेशान है? लेकिन मुकाबला तो खत्म हो चुका है। नहीं सरकार, मुकाबला तो अब शुरू होगा। आला हजरत, ये मसखरा अपनी जान का दुश्मन मालूम होता है। इजाजत दीजिए कि इसके कंधों का बोझ हल्का कर दूं। इजाजत है। कुर्बान जाऊं वजीर साहब के। शहजादी की शादी इन्हीं से होगी। मुअज्जज मेहमान को शाही मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। शहजादी साहिबा, वो मेहमान आपको मिलने के लिए आ रहा है। खबरदार जो उस मर्दूत का नाम लिया। मगर वो तो अब आपके होने वाले दूल्हा है। मर्जीना, मैं तो ये अर्ज करने आई थी कि आलिजा अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं। क्या वो हमारे प्यार की कब्र पर अपनी खुशियों के दिए रोशन करना चाहते हैं? हम सोहेल के अलावा किसी के नहीं हो सकते। अगर अब्बा हुजूर अपनी जिद पर कायम रहे तो हम जहर खा लेंगे। आदाब है शहजादी साहिबा, हुस्न की सरकार में हमारा हदिया मोहब्बत कबूल हो। ओफो, आप जाइए। भला हमसे नाराजगी क्यों? हम तो आपके रुख रोशन से अपने जुल्मत का दाए दिल को मुनव्वर करने आए हैं। मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। क्या फरमाया? तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया, आप भी तशरीफ रखिए। हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से। मगर ये क्या जबरदस्ती है जी? कभी आप फरमाती हैं तशरीफ रखिए, कभी आप कहती हैं चले जाइए। क्या आप मेहमानों से यही सलूक करती हैं? तुम हमारे नहीं, अब्बा हुजूर के मेहमान हो। किसी के भी सही मेहमान तो है ना। गुस्सा मेहमान तो
कोना कोना छान मारा और तुम लोग यहाँ हो, हैरत है। ये वही जगह है ना जहाँ तुम हमसे मिले थे, जिसको तुम हकीर इंसान समझकर यमन की शहजादी के पास ले गए थे। अब वही आदमजात एक मुसीबत बन गया है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी मोहसना को छोड़कर शहजादी के हुस्न का दीवाना हो गया है और अब शहजादी के साथ उसकी शादी हो रही है। वो कैसे? उसने यमन के कानून और रस्म और रिवाज के मुताबिक शहजादी को जीत लिया है। नामुमकिन! शहजादी मेरी है, मैंने उसे कैद की हालत में चाहा, अब तक से मैं आजाद हूँ। शहजादी को हर कीमत पर हासिल करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज न करना। सुहेल समझेगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और फिर सोचो तो, अगर शाही जिन्नात को इल्म हो गया तो और भी ज्यादती होगी। और फिर तुम तो जिन हो, वो आदम साहब। आपने मुझे बुलाया है? जी हाँ, मैंने तुझे बुलाया है। मैंने तुझसे दिल मांगा और तूने थप्पड़ मार दिया। मैंने कब मारा है? देखा जाएगा। कोई है? देखिए कमीने आदम साहब, तुम इस शाही कनीज से क्या बातें कर रहे थे? बातें? कैसी बातें?
अब तुम यहाँ से गोल हो जाओ, मेरी माँ आ गई है। बातें नहीं, मैं से बातें नहीं कर रहा था, बल्कि ये मुझसे बातें कर रही थी, मुझे बरगला रही थी और मुझको मछली समझकर जाल बिछाकर फंसाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी मुझसे इश्क करो। देखो कितनी बदतमीजी है। अब मुझे क्या मालूम इश्क किस चिड़िया का नाम है। तुम भी बताओ इश्क किसको बोलते हैं। तुम झूठ बकते हो, सच सच बताओ तुम मुझसे क्या बातें कर रहे थे। बातें? हाँ बातें गई। हाँ याद आया, मैं उसका इम्तिहान ले रहा था। परी जी अब तुमसे क्या छुपाऊं, बात दरअसल ये है कि जब से मैं शाही महल में आया हूँ यहाँ के तमाम शाही कनीजें मुझ पर लट्टू हो गई हैं। अब मैं तुम्हें शाही महल में नहीं रहने दूंगी। क्यों? तुम खराब हो जाओगे। कैसे? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगी। अच्छा हाँ हाँ। लेकिन सबसे पहले कोकाफ जाएंगे। बहुत अच्छा, चलो चलो। अच्छा खुदा हाफिज़ तनीज बेगम, हम जा रहे हैं। मोहब्बत उसकी खुशबू का नाम है, तुम खुशबू को फूल से जुदा नहीं कर सकते। जिद पर कायम रहे तो बेमौत मारे जाओगे। आशिक मौत से नहीं डरते, मैं शहजादी के लिए हर खतरे का मुकाबला करूंगा। तुम खतरों का मुकाबला क्या करोगे, मैं तुम्हें भी चुटकियों में मसल दूंगा। शादी करके यमन के तख्त और ताज पर कब्जा करना चाहते थे। फिकर न कर बुढ़े, मारुख मेरी ही कनीज बनकर रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दलील इंसान, मेरे बुढ़ापे को रुसवा करके तू कभी सुख नहीं पाएगा। बकवास बंद करो, ले जाओ इसे। हम क्या करें, कहां जाए? और सोहेल का भी कोई पता नहीं। फिर छोटा न कीजिए, मुसीबतें आया ही करती हैं। मुझे उम्मीद है सहेल आपकी मदद को जरूर आएगा। न जाने वो कहाँ है, कहीं वजीर ने उसे भी गिरफ्तार न कर लिया हो। शेर गिद्धों के हाथ नहीं आएगा, वो यकीनन आजाद होगा। अगर सोहेल पर भी कोई मुसीबत आ पड़ी तो फिर मौत ही मेरे दुखों का इलाज कर सकेगी। मौत तुम्हारे दुश्मन का मुकद्दर बन चुकी है शहजादी। सोहेल, शहजादी गिरफ्तार कर लिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं बादशाह सलामत को बहुत जल्द आजाद करा लूंगा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। अपने सबसे बड़े सहारे को मत भूलो, जिसके हुक्म से आज भी गुजार बन जाती है, वही खुदा तुम्हारी मदद करेगा। उसी के सहारे तो अब तक जिंदा थी, लेकिन वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ Thank you.
शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों आकर खून से खेल रहे हो सुहेल? अगर अब भी मेरी बात मान लो तो जमाने भर की खुशियाँ तुम्हें मिल सकती हैं। यमन का तख्त तुम्हारे कदमों में और शाही ताज तुम्हारे सर पे होगा। मुझे तख्त ताज नहीं चाहिए, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तुम एक गरीब नौजवान हो और वो शहजादी। गरीबों और बादशाहों के दरमियान बड़े फासले होते हैं। मुझे किसी बादशाह से परवाह नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो सुहेल? तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो तो मैं कनीज बनकर सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी। मैं कह चुका हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला था तो तुमने मोहब्बत का ढोंग क्यों रचाया? यहाँ क्या लेने आए? बेशक हम पर ऐसा वक्त आ पड़ा है कि अपने बेगाने हो गए, लेकिन तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि इस अंधेरे में साए की तरह तुम भी साथ छोड़ जाओगे। अगर तुमने गलत बयानी की तो हम तुझे आतशे नूर में जला देंगे। हम मुझे अपने दादा की चली हुई रूह की कसम, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। बयान करो। मेरे आका, आपने प्रताप परी को दुनिया में इसलिए भेजा था कि वो मुझे सामरी जादूगर की कैद से छुड़ाए। मैं वो आदम साहब रहे की मोहब्बत में कर क्या बकते हो? फिरदौस आपकी बेटी और सुहेल खाक का पुतला है, उनका आपस में क्या जोड़? मेरे आका, गुलाम ने फिरदौस को बिल्कुल यही समझाया और हजूर के कहरों गजब से डराया, मगर उसने शाह जनाब के हुक्म की परवाह न की और हमारी दुनिया के तमाम रस्म रिवाज को तोड़कर आदम साहब से दिल लगा लिया। तेरे पास क्या सबूत है? मेरे आका, थोड़ी देर पहले मैंने फिरदौस को सुहेल के पास छोड़ा था। तिलिस्मी आईना मुलाजा फरमाइए, वो मेरे बयान की तस्दीक करेगा। तुमने हमारे हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। ये तो बहुत बड़ा हुआ, मेरी खातिर अपन मुसीबत का शिकार हो गई। आप परेशान ना हो, तो सदमे ने सुहेल का दिमाग उलट दिया है। पागल आदमी होश की बातें नहीं किया करते। शहजादी, क्या बात है, परेशान नजर आए? क्या मेरे दामन पर फेंकने के लिए कोई और अंगारा बाकी है जो मेरी परेशानी का सबब पूछने लगे? मैं समझा नहीं। अच्छा हुआ तुमने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। तुम्हारे लिए मैंने दुनिया को नाराज किया, जमाने भर की रुसवाइयों को गले लगाया, मगर आज तुम किसी और के लिए बेचैन हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। क्या कह रही हो? तुम्हें छोड़कर तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मगर थोड़ी देर पहले तुमने खुद मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। तुम्हारी मोहब्बत तो मेरी जिंदगी का सरमाया बन चुकी है, वो तुम नहीं थी। तो फिर कौन थी? मैंने तो किसी को नहीं देखा। बादशाह की बेटी, मुझ पर यकीन करो, वो एक परी थी, मेरी मोहसिना, जिसने कई बार मेरी जान बचाई, कई बार मुझसे इजहारे मोहब्बत किया, लेकिन मैं यही जवाब देता रहा, मेरी नींदें अपनी नहीं, दिमाग अपना नहीं, दिल अपना नहीं। तो तुम परी से बातें कर रहे थे? आज भी वो मेरी मदद को आई, उसने वही सवाल दोहराया, लेकिन मैं तुम्हारा हूं किसी और का नहीं हो सकता। वो जिंदगी जिसमें तुम्हारा तसफर ना हो, मेरे लिए मौत से कम नहीं बादशाह की बेटी। Ha ha ha!
तूने आदमदार से मोहब्बत की, जिन्नात के उसूलों को तोड़ा और हजरत सुलेमान की बख्शी हुई ताकत से इंसानों को परेशान किया। तू नहीं जानती इस जुर्म की सजा क्या है। मैं इकबाली जुर्म करती हूँ आलिजा, लेकिन वो जिन कहाँ है जिसने मुझ पर ये इल्जाम लगाए? हमने तिलसमी आईने में तेरे लक्षण अपनी आंखों से देख लिए, अब लमधूर की क्या जरूरत है? गुस्ताखी मुआफ आलिजा, इस झगड़े में मुद्दई का होना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ वो सब इल्जाम मेरे सामने दोहराए और मैं उनका जवाब दूँ। हम तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। अपनी से आजम, अपने खादम सामरी की अकीदत का उलझन, जिसे तुमने जादू की देर पर आता कर दिया है। जुनून पटाव दम पचे दल चू, जुनून पटाव दम पचे। आज मेरी अकीदत कबूल नहीं हुई। वो देखो तुम्हारी मौत चली आ रही है। लंदूर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन आज वो तुम्हारी मौत का सामान लेकर आ रहा है। अपनी काली जबान बंद कर। मेरे आका, उसके आने से पहले महल के तमाम दरवाजे बंद कर दो, हर तरफ काला जादू फूंक दो ताकि वो महल के अंदर ना आ सके। सामरी अपने दोस्तों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता है, मैं उसका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। ऐसा कज़ब ना करो वरना लंदूर के साथ तुम भी तबाह हो जाओगे। मैं अपने दोस्त को खुशामदीद कहता हूँ। सामरी, तुम्हें याद होगा एक दफा मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हारे दुश्मन ने मुझे दीवार में कैद कर दिया था। मुझे वो एहसान आज भी याद है। आज मैं तुमसे अपने एहसान का बदला चाहता हूँ। अगर पनाह की जरूरत है तो मेरा महल हाजिर है, और अगर कोई और मदद चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। बुरा ना मानना लंदूर, तुम आग के बेटे हो, ये खाक की पुतली है, तुम्हारा आपस में क्या जोड़। सुनो मेरे दोस्त, शाह जन्नात के कब्जे में एक तिलिस्म है जिसे हासिल करने के बाद मैं भी इंसान बन सकता हूँ। अपनी मोहब्बत की खातर मैं वो तिलिस्म चुराने जा रहा हूँ। मेरी वापसी तक शहजादी की हिफाजत करो। सोच लो मेरे दोस्त, एक लड़की के लिए तुम आंख से खेलने जा रहे हो। अगर शाह जिन्नात को तुम्हारे इरादे की खबर हो गई तो उसके कहर की बिजलियां तुम्हें फूंक डालेगी। बहन शाह जिन्नात तो क्या, कायनात की कोई ताकत मुझे इस इरादे से बाज नहीं रख सकती। लंधू, तू हमें धोखा नहीं दे सकता। Ah!
मेरी प्यारी फूल गोभी परी, मैंने तुम्हारे साथ दुनिया की सैर की, लेकिन अभी तक मेरा दोस्त सुहेल कहीं नजर नहीं आया। तुम्हें उसका कुछ पता है? हाँ, वो यमन के शाही जिंदान में है। शाही जिंदान में है? वहाँ क्या कर रहा है? सिपाहियों के कोड़े खा रहा है बेचारा। सिपाहियों के कोड़े खा रहा है? मेरा जिगरी दोस्त सिपाहियों के कोड़े खाए और मैं दुनिया की सैर करता फिरूं? लानत है मुझ पर और लानत है ऐसी दोस्ती पर। और अब मैं तुझे क्या कहूँ? रोको गाली देखो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अरे रोको इसे, मैं कहता हूँ रोको, इसकी ब्रेकें कहाँ है? अरे रोको ना, मैं वापस जाना चाहता हूँ। चलो फूल गोभी परी, अब हम कितनी देर में यमन पहुंचेंगे? पलक झपकते। अब जरा संभल के रहना, मैं पलक झपकाने लगा हूँ। देखो दोनों, सुहेल मेरे प्यारे दोस्त सुहेल। बगलोल, क्या तुम भी कैद हो गए? मुझे कैद करने वाला अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें रिहा कराने आया हूँ, अब तुम जरा तेल और उसकी धार देखो। परी जी, वो मेरा दोस्त है, उसके बगैर मैं अपने आप को यतीम समझता हूँ। खुदा के लिए उसे छुड़ा दो। उसे छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं है बगलोल। रहने भी दो परी जी, तुम तो एक इशारे से गधे को आदमी और आदमी को बादशाह बना सकती हो और उसे नहीं छुड़ा सकती। तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे दोस्त की वजह से फिरदौस परी और लंधूर जिन शाह जिन्नात की कैद में है। अगर मैंने सुहेल की मदद की तो शाह जिन्नात मुझे भी माफ नहीं करेंगे। तुम सुहेल को छुड़ाओ, शाह जिन्नात को मैं निपट लूंगा इंशाल्लाह। वो अपने आप को समझता क्या है? खबरदार जो आगे बढ़े तो, वरना सबको खरगोश बना के रख दूंगा इंशाल्लाह। मुझे इन चमचों से तो छुड़ाओ। ये लो अंगूठी और इसे मुंह में डालो। Thank you.
हो, आतशी मखलूक किसी आदमजात से मोहब्बत नहीं कर सकती। मुझे इतराज है आलिया, मैंने आदमजात से मोहब्बत की लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मगर मगर क्या, साफ साफ कहो। आलिया, जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया है वो खुद शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। ये हम जानते हैं, और क्या कहना चाहती है? इसने शहजादी को सुहेल से छीनने की कोशिश की और दोनों के दिल दुखाए और इंसानों के दरमियान कुछ तो खून करवाया। इंसानों का कुछ तो खून, लहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? ये इल्जाम बिल्कुल गलत है मेरे आका, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हम तुम्हारे बयान की तस्दीक चाहते हैं। कनीज को मोहलत दी जाए आलिया। हम तुझे मोहलत देंगे लेकिन याद रख, अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम तुझे आसमान की बुलंदी से उठाकर जमीन की पत्तियों। मैं सुहेल और शहजादी को हुजूर के दरबार में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ, वो खुद ही हकीकत हाल बयान कर देंगे। इजाजत, लेकिन देर नहीं होनी चाहिए। देख ली तूने जलाल की ताकत? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मुझे आजाद कर दो और फिर अपनी ताकत का दावा करो। कुत्ता, मेरी ये कहूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। बगावत के जुर्म में तुझे सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। कानून भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारी है, जो चाहो करो, लेकिन इतना सुन लो, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। नहीं, इस वक्त मेरे इख्तियार में है, अभी मेरे हुक्म की तामील होगी और तेरी लाश खून में तापती हुई नजर आएगी। ले जाओ इसे। सर तन से जुदा कर दो। सुना है सुहेल की मां जादूगरनी है। जादूगरनी, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। सुहेल, तुम्हें और शहजादी को मेरी सफाई के लिए शाही जिन्नात के दरबार में जाना होगा। मगर शहजादी है कहां? उसे जिन ने सामरी जादूगर के किले में नजर बंद कर दिया है। खुदा के लिए उसे बचाओ, बादशाह की बेटी मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी जान है। उसे कुछ हो गया तो तुम मुझे भी चिंता न पाओगी। मैं मजबूर हूँ, सामरी का मुकाबला करना मेरी ताकत से बाहर है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अगर तुम नहीं जा सकती तो किसी तरह मुझे वहाँ पहुँचा दो। ये भी मेरे बस में नहीं, वहाँ जाना मौत को दावत देना है, मैं हरगिज तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मेरी फिक्र न करो, मैं अपनी जान पर खेलकर भी शहजादी को बचाऊंगा। और कुछ नहीं तो मुझे मेरी मंजिल का पता बता दो। जमाने की गर्दिश, इंसान की तकदीर। बोलते हो तुम, इंसान की तकदीर इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी तकदीर भी खूबसूरत होनी चाहिए। मुझसे डरो नहीं, मेरे करीब आओ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम इंसान के रूप में शैतान हो। मुझे इल्जाम ना दो, जमाने की गर्दिश खुद ब खुद खींच के तुम मेरे पास ले आई है। खुदा के लिए मुझ बदनसीब पर रहम करो और यहाँ से जाने दो, मुझे सता के तुम्हें क्या मिल जाएगा।
मेरे कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं है। मेरे फैसले मौत की तरह अटल होते हैं, जिन्हें जमाने की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। तो क्या तुम मजलूम की आह से भी नहीं डरते, जो अर्शे इलाही के पाए हिला दिया करती है? यहाँ मजलूमों की आहों और फरियादों के तीर नहीं चला करते। तेरी आवाज इस चार दीवारी में गुम होकर रह जाएगी और तेरी मदद कोई यहाँ नहीं आ सकेगा। तेरी वापसी का इंतजार करो, मैं तुम्हारी तकदीर को तुमसे ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। शैतान। सरकार, यह है वो औरत, तो तुम हो वो जादूगरनी जो हमारे दुश्मन को हर बार से बचा लेती हो। शायद ये लोग मुझे गलती से पकड़ लाए हैं, मैं जादू नहीं जानती। क्या तुम सुहेल की माँ नहीं? हाँ, सुहेल मेरा ही बेटा है। फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सा जादू है जो हमारी तलवारों की धार को कुन कर देता है? अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम कौन सा मंत्र पढ़ती हो? तुम बेटे पर तलवारें क्यों उठाते हो? उसने क्या जुर्म किया है? तुम्हारा बेटा हुकूमत का बागी है और तुम उसके जुर्म की परवरिश करती हो। ये गलत है, मेरा बेटा हुकूमत का बागी नहीं और ना ही मैं उसके जुर्म पालती हूँ। हर माँ औलाद का भला चाहती है, मैं भी अपने बेटे के लिए सिर्फ दुआ मांगती हूँ। दुआ? शोभदाबाज औरत, अपने जादू को दुआ कहकर हमें धोखा देने की कोशिश न करो, वरना तुम अपने बेटे की लाश पर आंसू बहाने के लिए जिंदा न रहोगी। वो माँ तो खुश नसीब होती है जो अपनी औलाद पर कुर्बान हो जाए। मेरी मौत से अगर सुहेल की जान बच सकती है तो मैं उस पर हजार जिंदगियां कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ और अपने बेटे के लिए दुआ न करो, वरना हम तुम्हारी जबान काट देंगे। जबान काट देने से क्या होगा, औलाद के लिए दुआ तो माँ के दिल से निकलती है। वही दिल तो हम तुम्हारे सीने से निकाल लेना चाहते हैं। माँ का दिल निकालने वाले भेड़िए, अगर तेरी भी कोई माँ है तो जा उससे पूछ। जब किसी के बेगुनाह बेटे पर जुल्म ढाया जाता है तो माँ के दिल का अर्श क्या हिल जाता है? कानून का मुजरिम है और तुम एक मुजरिम की हिमायत करके अपनी जान के साथ दुश्मनी कर रही हो। तो पहले मुझे फांसी के तख्ते पर ले चलो, मैं अपने बेटे के लिए मौत फंदा चूम कर गले में डाल लूंगी। ले जाओ और इस पागल बुढ़िया के दिलो दिमाग से बेटे की याद का हर नक्श मिटा दो। ले जाओ। मंबर आजम, सारी जिंदगी तुम्हारी बात की है और जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा। उजालों को अंधेरों में तब्दील कर सकता है। मेरी एक इल्तिजा कबूल कर, मुझे बूढ़े से जवान बना दे। मैं जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जिन्हें मैं पटाख जंग पर Thank you.
याद न सुनी, क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुई। इस जादू नगरी में खुदा का गुजर नहीं शहजादी, यहाँ तो शैतानी ताक के काम करती है। अगर कादरे मुतलक चाहे तो तेरे इस शैतानी महल को एक पल में पाश पाश कर सकता है। मुझे बता, आज वो नमरूद की खुदाई और शद्दा की जगह कहाँ है? मालूम होता है कि सदमे ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया है, वरना तुम सामरी जादूगर की ताकत से इनकार न करती, जो अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर सकता है और बुढ़ापे को जवानी में। खुदा के सामने ये शैतानी शब्द कोई हैसियत नहीं रखता। मैं बहस नहीं चाहता, तेरे हुस्न जमाल ने मुझे दीवाना कर दिया है। कल तक तुम यमन की शहजादी थी, आज मैं तुझे कायनात की मलिका बना दूंगा। मेरी मोहब्बत का तोहफा कबूल कर, जो तेरे हुस्न को सजवान रखेगा। तेरे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। जरूर होंगे, अभी होंगे और अभी। तुम्हारी मौत का ऐलान है, वो देखो कौन आ रहा है। नहुसत की बातें सोच सोचकर तुम्हारी खोपड़ी चल गई है। ये तो हकीर इंसान है, मैं इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ। ये देख, चुन में पटाख दम पच धन चुन चुन में पटाख दम पच धन बोलो, अब मैं क्या करूँ? दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। बकवास मत करो, वो तरकीब बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बात मान लो, शहजादी इसके हवाले कर दो। नहीं तो फिर यहाँ से भाग जाओ, उसे मैं संभाल लूंगा। सामरी जादूगर की तलाश में आए हो, वो इस तरफ गया है, जल्दी जाओ। Thank you.
कि तुम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करो, लेकिन तुम्हें फौरन अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, क्योंकि शाहे यमन की जिंदगी खतरे में है। आपके अदलो इंसाफ का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर दोस्त तुम भी इनके साथ जाओ, क्योंकि अभी इन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं और ये तोहफा तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं। मैं अपने आका के इस इनाम का शुक्रिया अदा करूं। हम वजीर आजम के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। मुझे भी अपना फर्ज अदा करने दो। राम वजीर से निपटने के लिए हमें फौरन यहां से चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, जल्दी चलो। हुजूर तशरीफ लाइए। वफात पा चुके हैं। नमक हराम, हम तेरे बादशाह बनने के ख्वाब कभी पूरे होने नहीं देंगे। सिपाहियों, अब बादशाह हम हैं, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं 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 नहीं, ये मेरा शिकार है, इससे मैं निपटूंगा। क्यों जलाल, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड। आज तुमसे दूसरा मुकाबला होगा। तुम जीत गए तो मैं शहजादी से दस्तबरदार हो जाऊंगा, बादशाह सलामत भी तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है तो ये भी कुदरत का इंसाफ होगा। Thank you.
सुहेल मेरे दोस्त सुहेल तुम जीत गए सुहेल, तुमने दुश्मनों पर फतह पाई है, मुझे तुम पर फख्र है। मगर ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जिसकी दुआएं कदम कदम पर तुम्हारी हिफाजत करती रही है। माँ फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं फूल परे की मदद से माँ को दुश्मनों के पंजे से छुड़ा लाया। शहजादी साहबा आप मुझे क्यों गुनाहगार कर लें? सुहेल की माँ, हमने अपनी बेटी को तुम्हारी बहू बना दिया, अब तो हम भी तुम्हारे सामने सर ऊंचा नहीं कर सकते। सुहेल कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं माँ, तेरी दुआ से मेरे ख्वाब भी हकीकत बन गए। सुहेल शहीद जिन्नात हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अब हमें इजाजत दो। अच्छा खुदा हाफिज़। आओ फूल।